डील है और आप देख रहे हैं द बाय मेडूड। सो आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे सेंट्रीफ्यूज को। ये हमारे पास डील है, सेंट्रीफ्यूज मौजूद है। इसका मॉडल है DM0412S। इसका मसला ये आ रहा है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद एरर देती है। अभी मैं इसको प्लग इन करता हूँ तो ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इनिशियलाइज होने के बाद रेडी हो जाएगी, उसके बाद ये एक एरर देती है। तो इस एरर को हम चेक करेंगे और देखेंगे ये कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मशीन को मैंने ऑन कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर ये 40 है, इट मींस कि 4000 आरपीएम सेट है इसके, और इस तरह ये इसका टाइम सेट है। तो अभी मैं इसको मैं जो है कवर जो है वो प्रॉपर बंद है और इसको मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे इसके जो है वो आरपीएम शो नहीं हो रहे और ये थोड़ा सा ब्लिंक करने के बाद यहाँ पे इसका एरर आ रहा है। ये चेक करें, एरर 05। तो अभी हम देखते हैं इसका इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ऑफ कर देते हैं और इसको लेड खोलते हैं। ओके, यूनिट को हमने ओपन कर लिया है तो इसके अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें लगी होती हैं, एक ये मेन कंट्रोल बोर्ड है और ये इसकी मेन मोटर है, और इसके ऊपर जो है वो नीचे इनकोडर लगा होता है। कुछ यूनिट के अंदर, कुछ यूनिट के अंदर इनकोडर जो है वो हमारा, जैसे मैं आपको मशीन चेक कर करता हूँ तो यहाँ पर इसका सेंसर लगा है जो कि आरपीएम को काउंट करता है और आपको बताता है कि अभी कितने आरपीएम पे मशीन चल रही है। तो इस यूनिट के अंदर इसका आरपीएम मीटर उधर लगा हुआ है। तो ये मोटर है, तो मोटर को पहले हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड के वोल्टेज वगैरह वेरीफाई करेंगे तो कहाँ पे आउटपुट आ रही है और क्या मसला आ रहा है जिस वजह से ये वाला एरर जो है क्रिएट हो रहा है। सो मल्टीमीटर मेरे पास आ गया है, इसको हमने पहले रेजिस्टेंस पे सेट करना है और रेजिस्टेंस में सेट करने के बाद हमने ये वाली जो मोटर है इसकी यहाँ से इसको सप्लाई जा रही है। तो यहाँ पे हमने इसकी मोटर की जो है वो वाइंडिंग चेक करनी है कि वो ठीक है या नहीं। तो वाइंडिंग को चेक करने के लिए हम इसको जस्ट यहाँ पे इसका दोनों साइड पे लगा के तो इसकी हम चेक करते हैं। तो ये अभी कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको प्रॉपर करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ब्लिंक कर रहा है और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ओम्स में आ रही है, लेकिन उसको वो मेगा में शो करवा रहा है। तो इट मीन्स हमारी मोटर का मसला है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर वो शो नहीं हो रही, मेगा में हो रही है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मली 80 या 90 ओम्स के करीब होनी चाहिए क्योंकि ये जो है वो 220 के ऊपर ऑपरेट करती है मोटर। तो अभी मैं वेरीफाई करने के लिए एक और मोटर जो है इसकी अरेंज करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक और मोटर जो है इसके मिलती जुलती मोटर अरेंज की है दूसरे मॉडल की। तो इसके मैं वोल्टेज यहाँ पर चेक करता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस चेक करता हूँ यहाँ पर। तो ये आप चेक करें, इसको मैंने प्रॉपर लगाया तो इसकी 71 ओम के करीब इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। ये देखें, इसका मैं सारे इसको चेक करता हूँ, सारे जो इसकी वाइंडिंग है सब वाइंडिंग के ऊपर तकरीबन 70 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो इट मीन कि हमारी ये वाली मोटर बिल्कुल ठीक है, इस मोटर का मसला है। तो इस मोटर को हम रिप्लेस करेंगे और हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं हम अपने बोर्ड्स को भी वेरीफाई कर लें तो उसका तरीका ये है कि हमने सारे कनेक्शन जैसे ये लगा दिए हैं, मोटर का जो आउटपुट कनेक्टर है इसको हमने उतार लिया है। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ तो हमारी मशीन जो है, ये मीटर को मैं साइड पे कर देता हूँ इस साइड पे, तो मशीन जो है वो हमारी ऑन हो गई है, आप चेक कर सकते हैं। अब जब जैसे ही मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो हमारा जो रिले है इस रिले जो है वो एक्टिव हो जाएगी ये वाली, उसके बाद हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको मैं रन करता हूँ, अभी हमारी रिले ऑन हो गई है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम डीसी के ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये आप चेक करें, तो ये आप चेक करें, ये 300 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं जो कि डीसी के ऊपर है और इसको मोटर को चलाने के लिए 26 घंटा है। तो इट मीन हमारा बोर्ड ठीक है, इस मोटर का मसला है, इस मोटर को हम चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारी मशीन ठीक होती है या नहीं।
ओके तो ये वाली मोटर जो है वो हम इसके साथ अटैच करते हैं। इसके पहले स्क्रूज वगैरह टाइट कर देंगे, उसके बाद इसका कनेक्शन जो है वो कर देंगे, और इसका पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपने ध्यान रखना होता है, उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो इनकोडर है इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम केबल टाई से इधर ही जो है वो बांध देंगे, और उसके बाद हम जो है चूँकि इनकोडर ये वाला इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम फिट करने के बाद, इसका ये वाला सेक्शन लगाने के बाद फिर चेक करते हैं कि ये काम करता है या कोई और भी मसला है। ये आप चेक कर सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है ये इसका सेंसर है, सेंसर पे जो है ना ये वाला पॉइंट गुजरता है तो उसको वो काउंटिंग करता है। तो इसको हम इस तरह लगा के तो देखते हैं ये प्रॉपर काम करता है या इसमें कोई और भी इशू है। ऑन करने के बाद अभी हमने इसको 1000 RPM है, उसका 2 मिनट के लिए इसको रन करके टेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर काम करती है कि नहीं। तो अभी ये चलना शुरू हो गई है, चेक करें RPM भी पूरे हो गए हैं, उसके बाद में टाइम चलना शुरू हो गया इसका। अब ये देखते हैं ये प्रॉपर काम करने के बाद इसको दोबारा रोकता है या नहीं रोकता। इसके बाद हम इसको 4000 RPM के ऊपर डायरेक्ट चेक करेंगे। तो अभी ये चल रही है, इसका 1 मिनट जो है ना वो स्टार्ट हो गया है, तो ये मिनट के ऊपर चल रही है, उसके बाद इसका ये टाइमर जो है वो रुक जाएगा ये, और इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद इसको ये ओपन कर देगी। तो ये चेक करने 1 मिनट पूरा हो गया, अब ये जो सेकेंड पर आ गई है इस सेकेंड्स के बाद ये इसके रिड्यूस करके 0 पर ले जाएगी। तो अभी ये 3500 RPM के ऊपर काम कर रही है, अभी 2 मिनट का हमने टाइम सेट किया था, अभी जो है ना ये 1 मिनट चल रहा है, उसके बाद सेकंड में आएगी, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये डिक्रीज़ करेगी, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने हाथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये नीचे हमने इसके ये वाले प्रॉपर जो है ना वो रबड़ के जो पैड होती हैं वो नहीं लगाए, तो उससे ना ये वाइब्रेट कर रही है। तो टाइम पूरा हो गया, अभी ये जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जब 0 पे चली जाएगी तो उसके बाद ये बीप देगी, उसके बाद हम इसके लिड को ओपन कर सकते हैं। ये देखें ये 0 पे जा रही है, अब 0 पे चली जाएगी तो इसके बाद बीप देगी। तो ये देखें, तो ये थी इसकी रिपेयरिंग की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।